केजरीवाल सरकार के तीन साल पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जारी की चार्जशीट, केजरीवाल को बताया फ्लॉप। शीला दीक्षित ने केजरीवाल सरकार को बताया विज्ञापन वाली सरकार। केजरीवाल सरकार के तीन साल पूरे होने पर कांग्रेस के दो नेता अजय माकन और शीला दीक्षित पहली बार एक मंच पर आए। अजय माकन ने मंच पर दिल्ली की जनता से मांगी माफी। आप सरकार के तीन साल पूरे होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सरकार के तीन साल की नाकामी का विरोध, पुलिस को वाटर कैनन का करना पड़ा इस्तेमाल। केजरीवाल सरकार के तीन साल पूरे, केजरीवाल ने किया दावा, तीन साल में किया 70 साल का काम। केजरीवाल ने अगले दो सालों में सड़कों और नालियों पर ध्यान देने का किया ऐलान। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 10 साल से फरार चल रहे इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में थी तलाश। गिरफ्तार आतंकी आरिफ जुनैद पर था 15 लाख रुपए का इनाम। राजधानी दिल्ली में पहले से ही पानी की किल्लत से जूझ रहे दिल्ली वालों के लिए आने वाले दिनों में मुसीबत और बढ़ सकती है। दिल्ली के सरकारी क्वार्टर में चोरों का आतंक सामने आया है। आरकेपुरम के एक मार्केट में चोरों ने एक, दो या तीन नहीं बल्कि पूरे 5 दुकानों में एक रात में चोरी की है। सीलिंग के खिलाफ से चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के सदस्य 16 फरवरी से शुरू करेंगे कटोरा आंदोलन। आंदोलन के तहत व्यापारी दिल्ली के सभी 7 सांसदों के घर खाली कटोरा लेकर करेंगे विरोध। सीलिंग के खिलाफ व्यापारी संगठनों ने आज अनोखे अंदाज में वैलेंटाइन डे मनाया। वैलेंटाइन डे के मौके पर व्यापारी हाथों में गुलाब लेकर एमसीडी के मुख्यालय सिविक सेंटर प्रदर्शन करने पहुंचे और सीलिंग रोकने की मांग की है। एमसीडी मुख्यालय पर व्यापारियों ने सीलिंग से राहत पाने के लिए गांधीगिरी अंदाज में माई वैलेंटाइन माई शॉप कैंपेन भी शुरू किया है।